जय श्री राम किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र संदीप पाटीदार धार वाले किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आए हैं धार जिले के ग्राम बोधवाड़ा में। यहां पर किसान भाई साहब ने एक सोयाबीन की नई वेरायटी लगाई है, उनसे वेरायटी की जानकारी लेंगे, कितने दिनों में पक के तैयार होती है, उसमें बीज कितना डलता है, पूरी जानकारी भाई साहब आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो देख सकें। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वप्निल पाटीदार है, ग्राम बोधवाड़ा। किसान स्वप्निल जी पाटीदार ग्राम बोधवाड़ा से है, आपने वेरायटी कौन सी लगाई है भाई साहब? NRC 142। सोयाबीन की वेरायटी ये है NRC 142। भाई साहब, इसके बोने का समय क्या था? 24 जून। 24 जून को भाई साहब ने इसकी बोनी की थी। इसमें पर बीघे में बीज अपन कितना डालते हैं? 18 से 20 किलो। 18 से 20 किलो पर बीघे के हिसाब से अपन इसमें बीज डाल सकते हैं। और अगर एकड़ में बात करें अपन तो 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपन इसमें बीज डाल सकते हैं। किसान साथियों, भाई साहब की जो ज़मीन है वो पूरी गलत क्षेत्र में है। इन्होंने इस पर बेट के माध्यम से चोपवाया है, सोयाबीन सीडिल के माध्यम से बोई नहीं है इन्होंने। कम बीज इनके पास उपलब्ध होने के कारण इसको चोपवाया है। आप सोयाबीन देख सकते हैं, इसमें रुएदार फलियां होती है, 3 दाने, 4 दाने और 2 दाने की फलियां होती है। क्षेत्र में गलत लगने के कारण इसको बेड पर बोया गया है। ये वेराइटी येलो मोज़ेक से प्रतिरोधी वेराइटी है। प्रति पौधे में आप देख सकते हैं लगभग 100 से 120 फलियां इसके पौधों में है। भाई साहब, हार्वेस्टिंग टाइम कितना था इसका? ये 95 से 100 दिन में कट जाएगी। किसान साथियों, ये सोयाबीन 95 से लगभग 100 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है। आप इसमें देख सकते हैं हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। नीचे से आप देख सकते हैं उसमें डिस्टेंस है, 3 से 4 इंच 5 इंच का डिस्टेंस है, उसके बाद फलियाँ लगती है, ताकि हार्वेस्टर से आपको काटने में कोई समस्या ना हो। हाइट भी फुल है। और हाइट अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं हाइट इसकी पर्याप्त मात्रा में है। जिन किसान साथी को और भाई साहब से बात करना है तो मैं इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप भाई साहब से चर्चा कर सकते हैं, आपको ये भाई साहब पूरी जानकारी देंगे इस वेरायटी की। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। जय जवान, जय किसान।